बाबा जी, जो मुसलमानों में जो रोजा पकड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है, उसका नाम उन्होंने दिया है रमजान का महीना। किसका महीना? कृष्ण जान का महीना नहीं, अल्लाह मियाँ या अल्लाह जान का महीना नहीं। क्या नाम दिया? राम जान का महीना। और उस राम जान के महीने में जो रोज व्रत लेते हैं न खाने पीने का, उसका नाम दिया है रोजा। क्या? रोजा। रोजा अर्थात माने रोजा, एक दिन भी मिस न कर। है तो भगवान बाप ने उनके लिए ये पक्का कर दिया कि हम रोज आवेंगे। तो तुम भक्ति मार्ग में रोज हमारी नमाज पढ़ना। भगवान रोज आते हैं तो वो रोजा मनाते हैं, लेकिन भगवान की शर्त है कि तुम जो रोजा करते हो वो रोजा कबूतरों वाली बात है। क्या? कैसे? कबूतर कहाँ रहेंगे? मंदिर में ही रहेंगे। और भगवान को भी कहाँ आना है? मंदिर में ही आना है। वास्तव में भगवान तो सभी बच्चों के पास होता है, जहाँ जहाँ बच्चे सर्विस करते हैं, क्योंकि बच्चों को सर्विस नहीं करनी होती है। बच्चे तो तमोप्रधान हैं, सर्विस कौन करता है? जहाँ जहाँ बच्चे हिम्मत करते हैं तो हिम्मते बाप मददे बच्चे, वो मददे बाप, जहाँ हिम्मते बच्चे और मददे बाप। ये ब्रह्मा बहुत इंटरव्यू करके बोलता है। तो बच्चे हिम्मत करते हैं और बाप मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हिंदुओं में भी मान्यता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान उपस्थित हो जाते हैं। वो तो हनुमान को भगवान मानते हैं, तब ऐसा कहते हैं। वास्तव में है ये बात कि बच्चे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जहाँ कहीं भी जाकर के कोने में सर्विस करेंगे, वहाँ बाप मौजूद हो जाता है। बाकी रोज रोज आने की बात नहीं है, ये तो कबूतरों के लिए बोली है जो मंदिर में ही रहते हैं और मंदिर में ही गंद करते रहते हैं। और हनुमान का जो मंदिर होता है उसका जो मुंह दक्षिण की तरफ क्यों निकलता है? हनुमान का मुंह दक्षिण की तरफ निकलता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जो है वो बंदरों का मुखिया है। क्या? और बंदर जितने भी जानवर होते हैं दुनिया में, उन सबसे जास्ती विकारी होता है और विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो जो रावण संप्रदाय हैं दुनिया में, वो कौन सी दिशा में ज्यादा है? दक्षिण दिशा में रावण संप्रदाय। क्योंकि जब द्वापर शुरू होता है तो रावण राज्य आता है, और रावण राज्य तब आता है जब विधर्मी आत्माओं का आना शुरू होता है। और विधर्मियों में सबसे मुख्य विधर्मी कौन है? पहला नंबर इस्लाम धर्म का मुखिया अब्राहिम। तो वो आते हैं और रावण राज्य शुरू हो जाता है। उनके फॉलोअर्स का धर्मखंड कौन सी दिशा में है? मिस्र और अरब देश, अफ्रीका और अरब, ये दक्षिण दिशा के धर्मखंड है। इसलिए बात समझ में आ जाती है। आया? क्या समझ में आया? अरे बात समझ में नहीं आई? क्या समझ में आई? हैं? अरे किसने प्रश्न किया था? हाँ प्रश्न क्या है? हाँ, रावण की यादगार भारत में लंका द्वीप दक्षिण दिशा में है ना, और दुनिया के हिसाब से जो सच्चाई है वो सारी दुनिया एक बेट है, द्वीप है। तो उसमें जो इस्लाम धर्म है, सब विधर्मियों का मुखिया, उसका धर्मखंड है दक्षिण दिशा। इसलिए दिखाते हैं हनुमान का मुख इस दिशा की ओर, क्योंकि उनको युद्ध किससे करना है? रावण से ही युद्ध करना है। भगवान राम जंगल में पहुंचते हैं, कांटों के जंगल में, तो किससे दोस्ती घटती है? बंदरों से। बंदरों के मुखिया हनुमान से, अंगद से। किस लिए? रावण से युद्ध लड़ने के लिए। तो रावण से युद्ध रखने के लिए, लड़ने के लिए हनुमान को, अंगद को, बंदरों को किस और मुखातिब होना चाहिए? है दक्षिण दिशा की ओर, जहाँ रावण रहता है। और द्वारका नगरी सागर के बीच में दिखाई है, है? है द्वा, द्वा शब्द से ही साबित होता है दो, दो अरिका। जैसे पहिए की अरे होती है ना, हमारे झंडे में जो चक्र रूपी पहिया दिखाया है उसमें 24 अरे दिखाई गई है। 12 दूनी 24। वास्तव में ये 12 राशियां हैं जिनमें सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बटे हुए हैं। बारह पुरुष रूप में और 12 स्त्री रूप में। टोटल मिलाकर के हिंदुओं में 24 अवतार माने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उनमें 12 हैं सूर्यवंशी और 12 हैं चंद्रवंशी। तो ये अर कहा जाता है। अर माने विभाजन करने वाली लकीर। द्वापुर कहो या द्वारका कहो, दो हिस्से कर देंगे तो लड़ाई अच्छी होगी, या एक बने रहेंगे तो लड़ाई अच्छी होगी। है दो कर देंगे तो लड़ाई अच्छी होगी। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्यों? कि साइंस ने भी क्या किया? कौन सा रूल अपनाया? डिवाइड एंड रूल। दो हिस्से में बांट दो, बंदर बांट करो तो फायदा हो जाएगा। और कृष्ण का शास्त्र कौन सा है? गीता शास्त्र। गीता शास्त्र है ऐसा शास्त्र जिसमें दुनिया की आबादी बहुत कम कर दी जाती है, अर्थात जो दुनिया में बढ़ी हुई आबादी है उस आबादी को नष्ट करना ये गीता का मुख्य ध्येय है। सभी धर्मों में आबादी बढ़ती जा रही है, भगवान आता ही है ये आबादी को कम करने के लिए। गीता है ही कौन सी प्लानिंग का शास्त्र? फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। तो ये युक्ति अपनाते हैं क्या? द्वारिका दो हिस्सों में बांट दो, तो दो हिस्सों में जब बट जाता है स्वदेशी और विदेशी, कौरव और पांडव, तो अच्छा युद्ध चलता है। युद्ध चलता है तो जो सच्चा वर्ग होता है वो जीतता है और झूठा हार जाता है। तो नाम पड़ा है दो हरि का। और बोलने वाला है कि 8-9 वर्ष में विनाश हो जाएगा। 8-9 वर्ष में है, वारसदार भी नहीं रहेगा, माने कोई वर्षा लेने वाला नहीं रहेगा लौकिक दुनिया में, और शादी भी नहीं करेगा। माना ये बोला किसने? बोलने वाला कौन है? अरे ऐसे ही बोल दिया तुमने, प्रश्न कर दिया। ये बोलने वाला कौन था? 10 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। अरे यही नहीं जानते क्या? नई भट्टी की है क्या? शिव बाबा ये बोलने वाला था कि 10 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। कैसा? कि न शादी करने वाला होगा कोई और न कोई लौकिक दुनिया का वर्षा लेने वाला होगा। बाबा की नजर किसके ऊपर रहती है? है जो बेहद के बच्चे हैं उन बेहद के बच्चों के ऊपर नजर रहती है। इस मनुष्य सृष्टि पर 2 ही बेहद के बच्चे हैं बाप के, उनमें एक हीरो पार्टधारी और दूसरा हीरोइन पार्टधारी। राम और कृष्ण की आत्माओं के लिए सारा ज्ञान है जो उनको धारण करना है, और उन्हीं का आधार लेकर के परमात्मा बाप सारा कार्य संपन्न करते हैं। जो आज की मुरली में भी क्या आया, अगर इन 2 को निकाल दिया जाए तो बाप भी इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो ये 2 आत्माएं बाप के ज्ञान को पूरा धारण करने वाली है। इसलिए घोषणा की कि बाप की दुनिया इन 2 बच्चों के आधार पर है। 66 में घोषणा की 10 वर्ष की, और 76 में ये घोषणा पूरी होती है। 10 साल पूरे होते हैं और बाप की जो दुनिया है बच्चों सहित बाप की दुनिया, जैसे कोई बाप हो और उसके परिवार में 2 ही बच्चे हैं, और बच्चे खलास हो जाएं, तो बाप कहेगा मेरी दुनिया उजड़ गई। तो ऐसे ही ये बाप की 2 आंखें हैं, जैसे आंखें फूट जाती हैं तो दुनिया खत्म हो जाती है। तो उन 2 बच्चों के लिए बोला कि 10 वर्ष में लौकिक दुनिया इनकी खलास हो जाती है। तो लौकिक वर्षे की बात खत्म हो जाती है और शादी की भी बात खत्म हो जाती है। शादी भी कोई करने वाला नहीं रहेगा। बाप की उसे बेहद की दुनिया में और लौकिक वर्षा लेने वाला भी रहेगा। ये बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष है। बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होता है। और आपका 32 वास्तव में आया है, सेवा करने के लिए अंश मात्र स्वीकार करना पड़ता है। कैसे सेवा करने के लिए अंश मात्र दिखावा करना पड़ता है। ये शरीर है और शरीर के द्वारा ही सेवा करनी होती है। चलो मान लो कोई मनसा से ही सेवा करता है और मनसा सेवा भी करेगा तो मनसा के वाइब्रेशन तो दुनिया में फैलेंगे ना। और जो भी वाइब्रेशन फैलेंगे वो वाइब्रेशन शरीरधारियों को अनुभव होंगे या जिनको शरीर ही नहीं होगा उनको अनुभव होंगे, शरीरधारियों को अनुभव होंगे। तो अंश मात्र कहेंगे इसको। ऐसे वाचा की सेवा करते हैं वो तो प्रत्यक्ष हो ही जाती है। कर्मेंद्रियों से भागदौड़ की सेवा करते हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन अगर दृष्टि मात्र से भी सेवा करते हैं तो दृष्टि भी प्रत्यक्ष होती है, लेकिन वाइब्रेशन आंखों से भी देखने में नहीं आता, सिर्फ महसूस करने की बात है। जैसे हवा महसूस की जाती है, सुगंध महसूस की जाती है, तो ऐसे ही वो वाइब्रेशन की सेवा, मनसा की सेवा अंश मात्र, उसमें देह का पुट है। अगर देहधारी होगा तो वाइब्रेशन फैलाएगा, अगर देह ही नहीं होगी तो वाइब्रेशन भी नहीं फैला सकता है। कोई कहे सूक्ष्म शरीरधारी है, तो सूक्ष्म शरीरधारी जो है उसका देहभान ज्यादा कड़ा होता है या स्थूल देहधारी का देहभान ज्यादा कड़ा होता है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? जो सूक्ष्म देहधारी आत्माएं हैं, भूत प्रेत, उनका देहभान बहुत कड़क होता है। इसलिए बोला गया कि अंश मात्र वो बात रहती जरूर है। और बाबा शंकर की तरफ विनाश क्यों दिखाया जाता है? हाँ, ब्रह्मा की तरफ विनाश क्यों नहीं दिखाया जाता? ब्रह्मा सोचते हैं मैं स्थापना करूंगा तो विनाश तो अपने आप हो जाएगा। मेरी स्थापना अगर पूरी होगी तो मेरा काम पूरा होने से शंकर जी को अपना काम जरूर करना पड़े। इसलिए ब्रह्मा अपनी बात में मस्त रहते हैं। क्या करना है? स्थापना करना है। और स्थापना करना अच्छी बात है ज्यादा या विनाश करना ज्यादा अच्छी बात है? स्थापना करना माने कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, और विनाश करना माने बिगाड़ना। तो बनाना अच्छी बात है और बिगाड़ना वो तो खराब बात है। विनाश कल्याणकारी तब है जब स्थापना हो। पहले स्थापना होगी या पहले विनाश होगा? पहले स्थापना हो। पहले स्थापना हो, उस स्थापना को प्रत्यक्ष करने के लिए जो दुष्ट तत्व हैं उनका विनाश करना जरूरी है, नहीं तो ब्रह्मा की स्थापना संसार में प्रत्यक्ष नहीं होगी। और ब्रह्मा की स्थापना ही प्रत्यक्ष नहीं होगी तो ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को कुछ भी प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए शंकर को दिखाया गया है विनाश करने वाला, और विनाश करने वाला ज्यादा पावरफुल चाहिए या ब्रह्मा ज्यादा पावरफुल चाहिए? है क्यों? जो कारीगर होते हैं वो मकान बनाते हैं और मजदूर जो होते हैं वो मकान को तोड़ते हैं। मकान बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या बिगाड़ने में ज्यादा टाइम लगता है? है बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और बिगाड़ने में फटाफट बिगाड़ दिया जाता है। तो जो मकान फटाफट बिगाड़ा जाता है उसका ध्येय क्या है? है उसका ध्येय है कि जब तक पुराना गिरेगा नहीं तब तक नया बनेगा नहीं और प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। और ये काम ताकतवर जो होते हैं वो ही कर पाते हैं। मजदूरों में ज्यादा ताकत होती है या इंजीनियर्स, उनमें ज्यादा ताकत होती है? है? प्योरिटी की पावर ज्यादा किसमें होती है? है? मजदूरों में ज्यादा ताकत होती है या इंजीनियर में ज्यादा ताकत होती है? मजदूरों में ज्यादा ताकत होती है। बिना प्योरिटी के कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स के मुकाबले ज्यादा पवित्र थे या कम पवित्र थे? ज्यादा पवित्र थे। वो धर्म पिताएं पुराने धर्मों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी लैंग्वेज को, पुराने मत मतांतर को, पुरानी चलन को, पुरानी परिस्थितियों को नहीं बदले और नई धारणाओं की स्थापना कर दी। तो रिजल्ट क्या निकला? दुनिया का उद्धार हुआ या पतन हुआ? पतन हो गया। उन्होंने विनाश का काम किया या नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि विनाश का काम इतना कठिन काम है कि उसमें मुकाबला करना पड़ता है पुरानेपन का, तामसी स्टेज वालों का मुकाबला करना पड़ता है, पुराने धर्म गुरुओं का, पुरान खंडियों का मुकाबला करना पड़ता है। इतने पावरफुल पवित्र धर्म पिताएं वो भी नहीं कर सके। वो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। वो काम परम पिता परमात्मा आकर के करते हैं। इसलिए वो कार्य करने के लिए जिसे निमित्त बनाते हैं, जरूर जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं दुनिया में वो सब मनुष्य मात्र हुए हैं। और उन मनुष्य मात्र धर्म पिताओं का वो बाप होना चाहिए जो सब धर्म पिताओं का बाप संसार में प्रत्यक्ष होता है। बल वो धर्म पिताएं जो विधर्मी विदेशी है वो एडम और आदम को उतनी महत्ता नहीं देते हैं। परंतु है तो उनका बाप ना। बच्चे बाप को महत्ता नहीं देते हैं तो क्या बाप की महत्ता खत्म हो जाती है? नहीं, बाप तो बच्चों के लिए सदैव ही उम्मीदवार रहता है। आज नहीं तो कल ये बच्चे सुधर जाएंगे और सुधर जाएंगे तो सतोप्रधान धर्म पिताएं बन जाएंगे, सतोप्रधान धर्म आत्माएं बन जाएंगे तो दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन इनको फॉलो करेगी। फॉलो करने वाले भला अपने धर्म पिताओं को ही महत्ता देंगे अज्ञानता के काल में, फिर कभी न कभी तो ज्ञान पैदा होगा, सच्चाई कभी न कभी तो उभरेगी। तो अंत मते तो सबकी गति हो जाएगी। इसलिए जो विनाश का कार्य है, कल्पांतकारी जिसे कहा जाता है, सारे कल्प का अंत करने वाला, वो सबसे जास्ती पावरफुल है। इसलिए देव देव महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा देव, फिर विष्णु देव, फिर उन दोनों देवताओं से महान देव शंकर को कहा जाता है। और आज मुरली में बाबा ने बताया अंदर वाले कबूतर है, अंदर जो है अंदर ही बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं सेवा के लिए, है अंदर वाले सेवा करते हैं, खाने के लिए करते हैं के अतिथि सत्कार के लिए करते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देखा जाता है कि जो अंदर हैं, जिनको 16 घंटे सेवा करनी चाहिए, वो 16 घंटे सेवा करके अंदर भावना ये रखते हैं कि जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं, बाबा के घर के, बाबा के घर के मेहमान हैं, उनको सुख देना है या उनको दुख देना है। क्या लक्ष्य होना चाहिए? सुख देना। अगर है ये लक्ष्य तो कबूतर नहीं है। और वो देखा जाए तो गिने चुने 2-4 ही निकलते हैं कर्मणा सेवा करने वाले। और कर्मणा सेवा में ये भी खासियत है कि कर्मणा सेवा करने वालों को अहंकार जल्दी आ जाता है, क्योंकि देह से करते हैं ना, तो देह से क्या होता है पैदा? अहं भाव। भक्त से नाराज भी हो जाते हैं, ये भी खतरा है। इसलिए अगर वो खतरे से परे हो जाएं तो जो देह की सेवा है, तन की सेवा है, वो तन की सेवा के भी 100% मार्क्स होते हैं, जैसे वाचा सेवा के भी 100% मार्क्स होते हैं। वाचा सेवा में भी अहंकार आता है। अगर ये समझे बैठे हैं ये ज्ञान मैं देता हूं, इसलिए मेरे आर्डर पर चलो, मैं जो डायरेक्शन देता हूं उस पर चलो, तो वाचा सेवा में भी अहंकार आता है। अगर ये समझें कि जो ज्ञान मेरे निमित्त से समझाया गया जिस किसी भी स्टूडेंट को, वो मेरा नहीं है, किसका है? शिव बाबा का है। नहीं तो इससे पहले तो मैं खुद ही नाचीज था, तो अहंकार उड़ जाता है। है अहंकार की दवाई है निराकारी स्टेज आत्मा। आत्मा समझो, बहुत दिनों के बाद पूछा। और बाबा हाँ जी, औरंगजेब है ना, शिवाजी के बच्चों को औरंगजेब हाँ शिवाजी के बच्चे की आँख फोड़ देता है क्योंकि वो धर्म में उससे धर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अभी जो औरंगजेब है तो अभी तो वो किसके आँख फोड़ देता है, वो धर्म में भी फोड़। माया आखिरी फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? है लेगी कि नहीं लेगी? जो फाइनल पेपर होगा वो और पेपर्स के मुकाबले ज्यादा कड़क होगा या हल्का होगा? ज्यादा कड़क होगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उतने गहरे प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि पढ़ाई भी गहरी नहीं होती है। तो 98 में जो एडवांस पार्टी के सामने 98-99 में जो परीक्षा आई वो फाइनल परीक्षा थी या हाफ ईयरली थी? वो तो हाफ ईयरली थी। उसमें कितनों को अनिश्चय पैदा हो गया, अंधे हो गए। कितने थे जो एडवांस में अज्ञान के अंधे हो गए, आंखें फूट गई। कम से कम 50% तो थे या नहीं थे? है थे। अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। अंदर वालों में से भी बहुत से छोड़ करके भाग गए, भले 3-4 रोज के लिए ही भागे, लेकिन भाग तो गए। तो अंदर का असर बाहर वालों के ऊपर भी पड़ता है। अंदर हैं वो राज परिवार के हैं, राजवर्ग के हैं, यथा राजा तथा प्रजा पर भी असर पड़ता है। अभी होनी है कौन सी परीक्षा? फाइनल पेपर होगा। तो जो फाइनल पेपर होगा शिवाजी भगवान का बच्चों का क्या हाल होगा? माया उनको अंधा बनाएगी या नहीं बनाएगी? अभी तो उनका ये पक्का लक्ष्य बना पड़ा है। कि पहले तो एक के ऊपर उपयोग वो उन्होंने एक इजाद करके देखी, एक के ऊपर उन्होंने परीक्षण करके देखा माया के बार का। माया का बार होता है देवान का बार होता है, बाहुबल का वार होता है या आत्मिक बल का वार होता है? देवान का बाहुबल का वार होता है। बाहुबल में देह के संबंधियों का बल भी आ जाता है, देह का बल भी आ जाता है, अस्त्र शस्त्रों का भी बल आ जाता है, झूठी वाचा का भी बल आ जाता है और नोटों की गड्डियों का भी बल आ जाता है। माना दुनियावी तरीके से जो भी बड़े बड़े हौदेदार हैं या गुंडा प्रकृति के लोग हैं अथवा जो भी बड़े बड़े मल्टी मिलियन आए रहे उन सब का बल आ जाता है। जो आत्मिक बल वाले हैं वो इन बलों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो परमात्मा की याद के बल का प्रयोग करते हैं। तो माया हाफ ईयरली एग्जाम में या मासिक एग्जाम में या त्रैमासिक एग्जाम में जिन बलों का प्रयोग करती है वो बल इतने कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस माया का कम होता है, स्रोत्रोत्तर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो उत्तरोत्तर एक्सपीरियंस बढ़ता है माया बेटी का, वो पक्का कर लेती है कि पहले तो इनके इन बच्चों के हेड के ऊपर ये प्रयोग किया और अब इन बच्चों में से जो एक एक हेड बनकर के बैठे हुए हैं सबको पकड़ूंगी, सब के ऊपर उस बाहुबल का प्रयोग करूंगी। जैसे एक को नोटों की गड्डियों के नीचे दबाई दिया, अखबार वाले भी विरोधी बन गए, रेडियो वाले भी विरोधी बन गए, टीवी वाले भी विरोधी बन गए, प्रशासन भी सारा विरोधी बन गया। ऐसे ही अंत में सब बच्चों का ये हाल करूंगी। तो अज्ञान दुनिया में फैलेगा ब्राह्मणों की दुनिया में या नहीं फैलेगा? अज्ञान फैलेगा। अज्ञान फैलेगा माने अज्ञान में अंधे बनेंगे या नहीं बनेंगे? इन आंखों के अंधे होने की बात समझते हैं। हाँ, दुनिया में जो भी भक्ति मार्ग में हुआ है वो स्थूल रूप में हुआ है और अभी अभी सूक्ष्म रूप में वेद की बातें होंगी। सारे ही अज्ञानी बनेंगे। तो पास विदानर कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे, बाकी सब अंधे। और बाबा काली संकट के ऊपर पैर पे रखा जाता है। काली कहती है शंकर जी से कि तुम तो जगत पिता हो और मैं जगत माता हूं, मेरे बगैर तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। तुमने जो लकब ले लिया है शंकर द्वारा विनाश, तुम कुछ नहीं करते हो क्या? सारा असुर संहारणी का टाइटल वास्तव में मेरा है और जब मैं काम करती हूँ तो मैं तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग दलूंगी, मैं अपना प्रभाव पुरस्तर करूंगी या तुम्हारा प्रभाव होने दूंगी। तुम्हारे देह अहंकार के कारण वो उनकी छाती पर पांव रख देती है। और सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा किसी में प्रवेश करके किसी की बात भी बता सकते हैं, मन की बात, और कहाँ भी कहाँ गए होंगे वो बात बता सकते हैं। कब मजे में लगाते हुए लोगों को नहीं देखा? जब मजमा लगाते हैं सड़क के किनारे तो किसी बच्चे को या आदमी को सुलाए देते हैं, उसमें आत्मा का आवेश कराते हैं और पूछते हैं इसकी जेब में कितने नोट हैं, टोटल कितने रुपए हैं, नोटों की गिनती कितनी है, या 1000 500 या 100 के नोट कितने हैं। तो सच्चा बताती है, झूठ बताती है। कैसे? तुम्हारी बात जो पूछी जा रही है उसके अनुकूल बताते हैं या कोई और उनके पास तरीका होता है? वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, उनकी गति बहुत तीव्र होती है मनसा की, इसलिए वो बहुत कुछ जान सकती है, लेकिन इतना नहीं जान सकती है जितना शिव परमात्मा बाप आकर के ज्ञान सुनाता है। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और भूत प्रेत आत्माओं का ज्ञान 63 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा बंधा हुआ है। वो तो 84 के चक्र को जानने वाला है। और भूत प्रेत आत्माएं भी नंबरवार होती है। कोई ब्रह्म राक्षस होते हैं, कोई जिन्नात होते हैं, कोई खब्बीस होते हैं, कोई डाकिनी होती है, कोई पिशाचिनी होती है। जितने जितने धर्म हैं, जितने धर्मों की शाखाएं हैं, उन विधर्मी शाखाओं में से ये भूत प्रेत पैदा होते हैं। सनातन धर्म की ओरिजिनल देवदात्माएं तो बहुत थोड़ी है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी नहीं होती, तो भूत प्रेत पिशाचों का रूप भी धारण नहीं करती। औरंगजेब की आत्मा अभी ज्ञान में चल रही है। औरंगजेब जिस धर्म को फॉलो करता था, मूर्तियों का खंडन करता था, धर्म परिवर्तन कराता था जबरियन, उसका धर्म पिता ज्यादा पावरफुल या औरंगजेब ज्यादा पावरफुल है? धर्म पिता मोहम्मद ज्यादा पावरफुल हुआ। तो वही आत्मा अगर ज्ञान में नहीं होगी तो उसके फॉलोअर्स कहां से ज्ञान में होंगे? और ज्ञान में तो वो कभी होते ही नहीं, सिर्फ संदेश लेंगे। और संदेश भी माने या ना माने ये भी कोई जरूरी नहीं। जैसे बोला है मुरली में, तो वो धर्म पिताएं भी अंत में आकर के सलामी बाप को भर करके जावेंगे, सिर्फ सर झुकावेंगे, बंदगी करेंगे, लेकिन अंदर से साकार बाप को मानेंगे नहीं। तो फिर स्वर्ग में आवेंगे? तो स्वर्ग में ही नहीं आवेंगे। बाबा डाकिनी और पिताजी ने जो बताया, डकैती शब्द से बनता है डाकिनी, डाकू, डाका डालने वाली। पिशाचनी बनती है पीछे पड़ने वाली। जैसे बोला है कीचक, उसका क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने मुरली में। कीचक उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। तो ऐसे ये शब्द हैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों के एक्टिंग के आधार पर। और वहाँ पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, हैं? आपने सुना है या न्यूज़ सारण्य में गए भी हैं, हैं? शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो हद की है या बेहद की? बेहद की बातें हैं। ये वर्तमान संगम युग की बातें हैं। निम्नसार में परिक्रमा लगाते हैं 84 कोष की, वो भी 84 के चक्र की यादगार है। उसका नाम है नैम सारण्य। अरण्य, अरण्य किसको कहा जाता है? है? अरण्य कहा जाता है जंगल को। नैम बनता है नियम पूर्वक चलने वालों को, जो फॉलो करने वाले हैं वो नैमिषारण्य से कनेक्टेड हैं। तो 84 के चक्र में जो आने वाली आत्माएं हैं वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, और ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले जो आत्माएं हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ग्रह है जिसका नाम क्या बताया अभी? शनिदेव, जिसको देवता कहते हैं। वो अभी वर्तमान संगम युग में ब्राह्मणों की जो दुनिया है उसमें जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा अनुभवी आत्माएं हैं, इसलिए उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। शनिदेव में एक विशेष शिस्त है, वो कोई को भी नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्ती का पक्का है। तो इन 9 ग्रहों में से इनके अपने अपने ग्रुप भी हैं। जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे बृहस्पति गुरु है, वो किसको सपोर्ट करता है? सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है, असुरों को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ही शुक्र है, किसको सपोर्ट करता है? है जो शुक्राणु से दुनिया पैदा करते हैं उनको ही सपोर्ट करता है। क्या जो दृष्टि से, पावर से सृष्टि बनाते हैं, देवताई सृष्टि रचने वाली आत्माएं हैं, उनको सपोर्ट नहीं करता है। शुक्राणु से दुनिया बनाने वालों को असुर कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। बल देवताएं भी उनके संग के रंग से राक्षस बन जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो राक्षस नहीं है। ऐसे ही शनिदेव की भी मित्रता है। जिन ग्रुप्स के साथ उसकी मित्रता है उनके लिए ये बात लागू होती है, उनके ऊपर असर नहीं होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी से ऊंची चलकर कलकत्ते में नीचे आकर बांग्लादेश में चली गए, इसका बेहतर क्या है? बांग्लादेश तो अभी बना है, पहले बांग्लादेश नाम नहीं था। क्या था? बंगाल था। क्या क्या पीने वाला? बंग आल। इसलिए बंगाल के लोग कहते हैं बंगाल फाराल। बंगाल सारी दुनिया के लिए है, वास्तव में वो बंगाल की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आता है जिस पहली पहली मनुष्य शक्ति की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता है वो बंगाली होता है, और वो बंगाली उसके लिए ये बात लागू होती है बंगाल फॉर ऑल। वो बीज रूप आत्मा विश्व कल्याणकारी है, सारी मनुष्य शक्ति के लिए कल्याणकारी है। तो बांग्लादेश तो अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा होने के बाद नाम पड़ा पाकिस्तान पूर्वी, और फिर जब पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, तो फिर नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश। तो गंगा को भी उसके नियंत्रण में आना पड़ता है, क्योंकि गंगा नदी जो है उसके किनारे चौकड़ी मार करके बैठने वाले कौन है? जो भी विधर्मी आत्माएं हैं वो गृहस्थ मार्ग के पक्के हैं या निवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अब वो चाहे भीष्म पितामह हो, जो सबसे जास्ती पावरफुल होते हैं। इन सन्यासियों में सबसे जास्ती पावरफुल कौन है? हैं? नहीं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जो नाम गिने गए हैं विधर्मियों के, उनमें जास्ती पावरफुल है इस्लामी। वो सभी संन्यास प्रवृत्ति वाले हैं और गंगा को सब मानते हैं, इसलिए वो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले हैं? भक्ति मार्ग के पक्के हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान और दूसरी कहते हैं पतित पावनी गंगा। तो गंगा सदैव प्रवृत्ति मार्ग वाली है या निवृत्ति मार्ग की सिंगल देवी की भी उपासना लेती है? है, सिंगल देवी की भी उपासना लेने वाली है। जब सिंगल देवी की उपासना लेती है, पूजा लेती है, तब कहा जाता है देवियों के पुजारी हैं आसुरी संप्रदाय। वो आसुरी संप्रदाय वाली आत्माएं, उनमें लास्ट भी है। कौन? जो टोटल मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं का शासन चलता है। वो बंगाल का वो हिस्सा है जहाँ मुसलमानों का शासन है, बल वहाँ हिंदू भी बहुत रहते हैं, लेकिन शासन किसका चलता है? मुसलमानों का शासन चलता है। तो गंगा को भी उसी शासन में चलना पड़े, इसलिए बल गंगा ऊंची, वो ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, पर्वतीय इलाके से होकर बहती है, फिर भी अंत में आकर बांग्लादेश के मैदानी इलाके में नीचे गिरती है। वहां जब गंगा का मेल होता है, तब जाकर के समंदर अर्थात सागर से गंगा मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र भी मिलती है। नाम पड़ता है गंगा सागर का मेल, ब्रह्मपुत्र सागर का मेल नहीं कहते हैं। क्यों? ब्रह्मपुत्र तो ऊंची ऊंची स्टेज में मिलने वाली है, बहने वाली है और ज्यादा पानी से भरी पूरी रहती है, फिर गंगा सागर नाम क्यों देते हैं? है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र गंगा में आकर के अपने को विलीन कर देती है। गंगा एडवांस वाली है या ब्रह्मपुत्र एडवांस वाली है? गंगा एडवांस ज्ञान लेने वाली है। तो एडवांस ज्ञान ज्यादा गहरा है या ब्रह्मपुत्र का बेसिक ज्ञान ज्यादा गहरा है? है? एडवांस ज्ञान ज्यादा गहरा है, तो गहरे में ब्रह्मपुत्र को आके मिलना पड़ता है, अपने अस्तित्व को मिला देती है, फिर सागर में जाकर के मिलती है दोनों नदियां, फिर नाम पड़ता है गंगा सागर का मेला। और बहुत धर्म से और कुछ धर्म से भी माता के नहीं निकलते पवित्रता का प्रचार करने के लिए, और इस्लाम धर्म से नहीं निकलती है, इससे क्या अर्थ है? नीचे वालों ने समझ नहीं पाया गया, जोर से बोलो। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म से कुछ न कुछ माता के नहीं निकलते हैं पवित्रता का पुरस्कार करने के लिए, और मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म से नहीं निकलती है। नहीं निकलती? यह कैसे? इस्लाम धर्म से कन्याएं माताएं नहीं निकलती है, ये कैसे? किसने कह दिया? बाहर की दुनिया में बाबा सन्यासी को देखने के मिलते हैं। है? बाहर की दुनिया में जैसे सन्यासी होते हैं, नंद होते हैं, ऐसे मुसलमान धर्म से हाँ कोई होते नहीं ना। क्यों होते क्यों नहीं? काले काले बुरकों वाली तुमने नहीं देखी कभी? अगर बाहर निकलती है तभी देखी, या बाहर नहीं निकलती है तो तुमने कहाँ से देख ली? हैं? संन्यास लिए हुए? राम धर्म में संन्यास लिए हुए? हाँ। क्यों? संन्यास सन्यासी इस्लाम धर्म में नहीं होते, ये पूछो। जो प्रश्न है वो ये होना चाहिए कि सब धर्मों में सन्यासी हुए, मोस्टली सिख में भी हुए, सन्यासियों में तो हैं ही, बौद्धियों में भी सन्यासी हुए, क्रिश्चियंस में भी नंस होती हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में सन्यासी नहीं होते। लेकिन ये पता है सबको कि कन्याओं माताओं को कौन से धर्म में सबसे जाति दबा के रखा गया है? इस्लाम धर्म में सबसे जाति दबा के रखा गया है। स्कूल में भी नहीं जाने देते, कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं पढ़ने देते, नौकरी पेशे में भी नहीं जाने देते, मस्जिद में भी नहीं जाने देते, अच्छी तरह से उनको दबोच के रखा हुआ है। तो जिसको जाति दबाया जाएगा तो वो कभी जाति उछलेगा या नहीं उछलेगा? है? जाति उछल मारता है। तो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म की कन्याएं माताएं जब दुनिया का विनाश नजदीक आता है तो सबसे जाति उछाल मारती है। बेसिक ज्ञान में भी है आधार मूर्त, तो एडवांस ज्ञान में भी वो आधार, वो बीज रूप आत्माएं हैं जो अंत में तेजी से उछाल मारेंगी, जिनको महाकाली कहा जाता है। महाकाल की सहयोगिनी शक्तियां हैं। और वो सारी दुनिया की परवाह नहीं करती है। सारी दुनिया की तो बात छोड़ो, दुनिया के अंदर जो स्त्री जाति का अति नजदीकी संबंधी होता है, जिसे वो शौहर कहती है, उसकी भी छाती पर पांव रख देती है। कितने बड़े सन्यासी हैं? छोटे मोटे सन्यासी हैं या बड़े सन्यासी हैं? सबसे बड़े सन्यासी तो वही है जो घरघाट का पूरा त्याग करते हैं। और काशी जी घाट दिखाया है, हाँ। कोई भी मर जाता है तो वहाँ जलाते हैं तो इसको मोक्ष मिलता है, हाँ। इसका वेद का अर्थ ये है कि 84 का चक्र गाया हुआ है मनुष्यों का। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म लेता है? 84 जन्म लेता है। तो जो 84 जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो 4.5 लाख है या 9 लाख है, हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख जो 84 जन्म है, उनमें से संगमयुगी स्वर्णिम जन्म कहाँ से शुरू होता है? काशी नगरी से शुरू होता है या और नगरियों से शुरू होता है? काशी नगरी से शुरू होता है। जो फर्स्ट है तो लास्ट भी है, इसलिए फर्स्ट से लेकर के लास्ट जन्म तक 84 घाट का पानी पीने वाले हैं। इसलिए कहावत है, अरे इसने तो घाट घाट का पानी पिया है, कोई घाट ऐसा नहीं बचा जिसका पानी इसने न पिया हो। तो ऑलराउंड पार्टधारी हैं, बड़े अनुभवी हैं। इसलिए काशी नगरी में कितने घाट दिखाए हैं? 84 घाट दिखाए। 4.5 लाख आत्माएं रह गए अंत, हाँ? होगा, हैं? जब अंत होगा तो अपने शरीर से सुरक्षित रहने वाले, बर्फ में दब करके भी सुरक्षित रहने वाले, किसी देहधारी से जन्म न लेने वाले, उनकी संख्या कितनी होगी? है 4.5 लाख होगी। वो 84 जन्म लेने वाले की श्रेणी में जो भी आने वाली आत्माएं हैं, उन सब के बीज है ना। लोगों की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है दुनिया में? कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ। लोगों की वैल्यू किसकी? हाँ, उनकी वैल्यू इसलिए नहीं होती है कि उनको वैल्यूबल बनाने के लिए भगवान आते हैं। दुनिया में जिनको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता, कोई जिनका मान नहीं देता, उनको कौन आकर के मान देता है? भगवान आकर के मान देता है। और जिनको भगवान आकर के मान देता है, उनको दुनिया वाले मान मर्तबा नहीं देते हैं। हाँ, बाबा आज मुझे ने बोला 32 किरणों वाला जिस स्त्रियों पर शिव बाबा का परिचय दो, हाँ? वैसे तो त्रिमूर्ति में शिव बाबा का परिचय दिया जाता है, 32 किरणों में तो शिव बाबा का। त्रिमूर्ति में तो 3 मूर्तियाँ हैं, और जो 3 मूर्तियाँ हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उत्तरोत्तर कम प्राप्ति करने वाले हैं या सबसे ऊंची प्राप्ति करने वाले हैं? उत्तरोत्तर कम प्राप्ति करने वाले हैं। जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, वो बाप को तो पहचान ही नहीं पाते। जो विष्णु को फॉलो करने वाले हैं, वो अंत में जाकर बाप को पहचानते हैं। तो राजा की कैटेगरी के हैं या रानी की कैटेगरी के हैं? वो रानी की कैटेगरी के आज हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति करने वाले कौन सी मूर्ति को फॉलो करने वाले हैं? है? जो सर्वोपरि मूर्ति है, जिसकी सबसे जास्ती खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं, वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त करने वाली मूर्ति है। तो आपका जवाब तो हो गया। तो अलग से 32 किरणों का चित्र समझाना चाहिए। 32 किरणों का चित्र तब समझाएंगे, उसमें जो 32 गुण दिए हुए हैं, जब ये साबित करेंगे कि ये गुण और अवगुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं। तो जो लिंग दिया हुआ है, उस लिंग को ऐसी मूर्ति में बिठाना पड़े जो मूर्ति वो निराकारी एक तेज को धारण करती है। तब समझावेंगे तो लोगों की बुद्धि में आवेगा। ये भी बोला कि ये ब्रह्मा का चित्र छिपा देना चाहिए, इसीलिए कि भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को उड़ा दिया या मंदिर मस्जिद मूर्तियों में प्रत्यक्ष किया गया, उड़ा दिया। इतनी जोर से तो बोलो आगे तक आवाज आ जाए। में आता है कि ब्रह्मा कर्म से ब्रह्मा को फॉलो करना है, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन शिव बाबा का फॉलो करना है। विरोधाभास तो बाप का कोई एक डायरेक्शन ऐसा सुनाओ जिसमें डायरेक्शन में ब्रह्मा के कर्मों से विरोधाभास साबित होता हो। ने लिखा था कि ब्रह्मा बाबा रास्ता जब मुरली चलाते थे तो उसमें ना नफ्स मोहन की मुरली होती थी, और फिर बाद में जब हमको बम्बई वालों को जब छोड़ने के लिए आते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। हाँ, तो दोनों विरोधाभास है, दोनों विरोधाभास हुआ। नफ्स मोहन जिसको मोह होगा वो ब्रह्मा की वाणी थी। वो वाणी किसकी थी ये भूल गए? फिर थोड़े समय बाद में ब्रह्मा छोड़ने आते थे, मतलब रोते, मतलब छोड़ने के टाइम में खूब आता था, उनकी आंखों में आंसू आते थे। हाँ, और डायरेक्ट ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे, माना वो जो आंसू आते थे वो दया के भाव से आते थे, स्नेह के भाव से आते थे या कोई दूसरा भाव था? है, स्नेह का भाव था। और स्नेह साबित होना ये खराब बात है क्या? और जैसे आंसू आते हैं, कोई याद में आंसू आते हैं, बाबा की याद करने बैठेंगे तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। तो उन्होंने जब आंसू आए तो साकार को याद किया या निराकार को याद किया? साकार को याद किया। और साकार में भी अच्छे को याद किया या बुरे को याद किया? अच्छे को याद किया। तो अच्छे को याद किया, उसके शुभ कर्मों के आधार पर याद किया तब आंसू आए, या भ्रष्ट कर्म को, दुखदायी कर्म को याद किया तब आंसू आए? हैं, शुभ कर्म को याद किया तो आंसू आए। तो अच्छे कर्मों की अगर शूटिंग करनी है, अच्छे कर्मों के आधार पर जन्म जन्मांतर के लिए 83 जन्मों के लिए सुख प्राप्त करना है तो ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करना है, ये पक्का याद करना है।